नमस्कार, आइए आज बनाते हैं मलका की दाल। मलका की दाल बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से धोकर 20 मिनट तक भिगो लें। इसके बाद इसे पानी से बाहर निकालें। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को काट लें। मसाले तैयार रखें। प्रेशर कुकर में तेल गर्म कीजिए। तेल गर्म होने पर इसमें जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालिए। इसे चलाइए। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची, गरम मसाला और टमाटर मिलाइए और थोड़ी देर चलाइए। चलाने के बाद इसमें नमक और हींग की बूंदें मिलाइए। टमाटरों को थोड़ी देर तक पका लीजिए। जब टमाटर पक जाएं तो इसमें भीगी हुई मलका की दाल मिलाइए और थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाइए। अब इसमें पानी मिलाइए और प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए। इसे 2-3 बिसल आने तक पकाइए। 2-3 बिसल आने के बाद हमारी दाल पक कर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है। इसे चावल और चपाती के साथ खाइए। मलका की दाल बहुत ही टेस्टी होती है और 2 मिनट में पक कर तैयार हो जाती है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।